बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय रेसिपी बॉक्स। आज हम बनाने जा रहे हैं तुर्किश प्लेटर, और इसमें जो जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उनमें चिकन जो मैंने क्यूब्स की शेप में कटिंग कर ली है, और तकरीबन ये होगा 125 ग्राम, और जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबलस्पून लूँगी मैं, बटर 1 टेबलस्पून, 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं जो वो भी मैंने ये देखें क्यूब की शेप में कटिंग की है, 1 कैप्सिकम ये भी क्यूब की शेप में, अनियन ये भी क्यूब की शेप में मैंने कटिंग की है, और 1 टेबलस्पून मैंने 1 टेबलस्पून योगर्ट और तंदूरी मसाला इसमें ऐड होगा, वो तकरीबन 1 टेबलस्पून लेंगे, और हम मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन लेंगे, ये सारी वेजिटेबल अब अंदर हम ऐड करेंगे। वन टेबलस्पून योगर्ट डाला, तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं अंदर बटर डालूंगी, और 1 टेबलस्पून वन टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया। अब मैं ये तंदूरी मसाला इसके अंदर ऐड करती हूँ, अच्छे तरीके से मिक्स करना है इसको मैरिनेट करने के लिए। इसको तकरीबन आधा घंटा इसको रखें आप मैरिनेट करके। ये हमारा मैरिनेट हाफ घंटा हो गया हमें, और ये हमारा बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया। और मैं ना आपको बताऊँ बाद में हमने ऐड की है ये ग्रीन चिली जो थी हमने वो भी अंदर ऐड की है, 2 ग्रीन, ये देखें ये 2 अदद हमने ग्रीन चिली जो उसको भी क्यूब्स की शेप में हमने कटिंग किया उसकी, और अंदर से उसके सीड्स जो थे वो हमने रिमूव किए, इसने रिमूव किए करके सीड्स, फिर हमने उसकी कटिंग किया और वो भी हमने इसके अंदर ही मैरिनेट किया उसको इसके साथ ही। अब हम इसको देखें, हम ये इस तरह के मिट्टी के जो मटके में ये वाली डिश बनती है मैं इसमें बनाने लगी हूँ, और ये कोयलों के ऊपर बनती है, लेकिन मैं इस वक्त कोयलों पे नहीं बना रही हूँ, मैं चूल्हे पे ही बनाऊँगी कि मैं आपको इस तरीके से बना, इसका भी रिज़ल्ट अच्छा है। ये इस तरीके से आपने आटा लेके इस तरीके से आपने ऊपर से इस तरह कवर करना है, और ये देखिए इसे आपने इस तरह हल्का सा आपने इस तरह कर देना है, इस तरीके से आप कर दे, या फिर या ऐसे होल कर दें आप अंदर से, ये देखिए, ताकि उनके अंदर से एयर जो है ना वो बाहर से ये एयर निकलने के लिए। ये आपने
12 से 15 मिनट के लिए आपने ऊपर रखना। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है। इसके ऊपर से वो रिमूव कर दिया, ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम आप इसको सर्व करके दिखाते हैं। ज़बरदस्त, ये जब हमने आपको गार्लिक राइस की आपको दिखाई है राइस, ये उसकी रेसिपी है, उसके साथ हमने सर्व की है। आप इसको उसके साथ सर्व करें, खाएं, बनाएं, एंजॉय करें। ज़बरदस्त, इतनी को ये ज़बरदस्त डिश है। ये तुर्किश में ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस, बहुत ज़बरदस्त बनती है ये। इसके बहुत ही है, आप बनाएं और इन्जॉय करें। आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं ये कैसी है। वाओ, इट इज़ सो यम्मी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। यह डिश डाइट वालों के लिए भी बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें कोई ऑयल कोई चीज़ नहीं है, जस्ट 1 टेबल स्पून एक बटर है। आप ये बनाएं, इंजॉय करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप खाएंगे, बनाएंगे तो इंजॉय करेंगे और हमें याद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।